स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था सेल्स वाउचर क्या होता है और सेल्स की एंट्री को हम टैली ERP 9 में कैसे करते हैं, सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे डिस्काउंट क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं और डिस्काउंट की एंट्री को हम टैली ERP 9 के अंतर्गत कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या है? जब कोई विक्रेता अपने क्रेता को माल अर्थात गुड्स बेचता है तो वो अपने क्रेता को सूची मूल्य पर कुछ घटा हुआ दाम देता है। इस प्रकार दी गई बट्टे को हम छूट कहते हैं, अर्थात इस प्रकार दी गई छूट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। बट्टे को छूट, रियायत, कटौती और उपहार भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बट्टा दो प्रकार का होता है, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा, अर्थात कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है क्या, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का दाम, किसी भी प्रोडक्ट का रेट 100 रुपये हो और हम जिस भी व्यक्ति या पार्टी से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और हमें उस प्रोडक्ट का 100 रुपये के स्थान पर 80 रुपया पेमेंट करना पड़े या 80 रुपया रिसिप्ट करना पड़े, तो जो 20 रुपये की हमें छूट मिलती है उसी को हम बट्टा कहते हैं, अर्थात रियायत कहते हैं, अर्थात कटौती कहते हैं या उपहार कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टा। आइए जानते हैं व्यापारिक छूट क्या होता है, यानी ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। किसी व्यापार में व्यापारिक बट्टा विक्रेता द्वारा क्रेता को माल गुड्स बेचते या सेल्स करते समय दिया जाता है। व्यापारिक बट्टे का मुख्य उद्देश्य अपने व्यापार पर विक्रय बढ़ाना होता है। जब भी व्यापारी किसी क्रेता को व्यापारी बट्टा देता है तो यह बट्टा सूची मूल्य पर दिया जाता है। इसके लिए विक्रेता और क्रेता दोनों ही इसका लेखा अपनी पुस्तकों में नहीं करते हैं, अर्थात आप ऐसे समझ सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट ऐसे डिस्काउंट होता है जिसकी फेस वैल्यू का हमें पता नहीं होता है कि डिस्काउंट कितने रुपए मिलने में, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। वहाँ पर हमें परसेंटेज के रूप में डिस्काउंट मिलता है, जैसे 5%, 10% और 20%, जिसकी राशि को हमें क्या करना पड़े, कैलकुलेट करना पड़े, तो वो डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, राम से 10,000 का माल खरीदा 10% छूट अर्थात डिस्काउंट के साथ। अगली एंट्री है, मोहन को 25,000 रुपये का माल बेचा 20% छूट के साथ। आइए देखिए इसकी एंट्री कैसे करते हैं, जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं। इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम और टू ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 से परचेज दिखाएंगे, 10% 10,000 का हो जाएगा 1,000 रुपये और 1,000 डिस्काउंट हो गया तो राम को मैं कितना पे करना पड़ेगा, 9,000 रुपये। आप अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने राम को पेमेंट किया है, राम डेबिट टू कैश अकाउंट, 9,000 से हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। अगली एंट्री थी कि मोहन को हमने क्या किया, 25,000 रुपये का माल बेचा 25% छूट के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मोहन को सेल्स कर रहे हैं, मोहन डेबिट ट्रेड डिस्काउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स तो हम दिखाएंगे 25,000 से, यानी 25,000 से, डिस्काउंट इसमें हो गया 6,250 रुपये, यानी मोहन से हमें रिसीव कितने होने, 18,750 रुपये। तो अगली एंट्री में देखिए हमने क्या किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, हमने मोहन से 18,750 रुपये रिसीव कर लिया है। आइए जानते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है, नगद बट्टा क्या होता है। जब भी कोई व्यापारी किसी क्रेता को माल अर्थात गुड्स विक्रय करता है तो माल के बदले जल्दी रुपए का भुगतान करने के लिए क्रेता को कुछ छूट प्रदान करता है, जिसे नगद बट्टा अर्थात कैश डिस्काउंट कहते हैं। विक्रेता द्वारा क्रेता को नगद बट्टा देने का मुख्य उद्देश्य क्रेता से नियत तिथि से पहले भुगतान प्राप्त करना होता है, अर्थात आप कैश डिस्काउंट को ऐसे भी समझ सकते हैं, कैश डिस्काउंट वे डिस्काउंट होते हैं जिसकी फेस वैल्यू हमें पता होगी, कि जैसे 500 रुपये का डिस्काउंट है, 1,000 रुपये का डिस्काउंट है, या 5 रुपये का डिस्काउंट है, या 10 रुपये का डिस्काउंट है, उसकी फेस वैल्यू हमें पता होती है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, राम से 10,000 रुपये का माल खरीदा 1,000 रुपये छूट के साथ,
यहाँ पे क्या है, परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे हमें कैश वैल्यू पहले से ही पता है कि इतना हमें डिस्काउंट मिल रहा है। अगली एंट्री है, मोहन को 25,000 रुपये का माल बेचा 5,000 रुपये छूट के साथ। आइए देखते हैं इसकी एंट्री को हम कैसे पास करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम टू कैश डिस्काउंट 10,000 से हम परचेज दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम टू कैश डिस्काउंट 10,000 से परचेज हमने डेबिट दिखा दिया और राम 9,000 रुपये 1,000 रुपये क्या हो गए मेरा डिस्काउंट हो गया। अब हम राम से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, राम डेबिट टू कैश अकाउंट हम 9,000 रुपये राम से राम को पेमेंट कर रहे हैं। अगली एंट्री में हमने सेल्स किया है मोहन को 25,000 रुपये का 5,000 रुपये डिस्काउंट के साथ, तो मोहन डेबिट कैश डिस्काउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मोहन डेबिट 20,000 रुपये से कैश डिस्काउंट 5,000 रुपये से डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000 रुपये से क्रेडिट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे मोहन से पैसा कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 20,000 रुपये हमने क्या किया, ये जो 20,000 हमें मोहन देखा वो हमने रिसीव कर लिया। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं। अब हम यहाँ पर यह विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट से भिन्न है। पहला, व्यापारिक बट्टा माल बेचते समय दिया जाता है जबकि नगद बट्टा निर्धारित तिथि से पहले भुगतान प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। व्यापारिक बट्टे को बीजक अर्थात इनवाइस में दर्शाया जाता है जबकि नगद बट्टे को बीजक अर्थात इनवाइस में नहीं दर्शाया जाता। व्यापारिक बट्टे का मुख्य उद्देश्य व्यापार का विक्रय अर्थात सेल्स बढ़ाना होता है जबकि नगद बट्टे का मुख्य उद्देश्य क्रेता को जल्दी भुगतान करने के लिए प्रेरित करना होता है। व्यापारिक बट्टे की गणना सूची मूल्य पर होती है जबकि नगद बट्टे की गणना शुद्ध भुगतान पर होती है। व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है जबकि नकद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं टैली आरपी 9 में हम इसकी एंट्री को कैसे करते हैं, तो आइए हम चलते हैं हमने टैली आरपी 9 पे। हम आ चुके अपने टैली आरपी 9 पे। यहाँ सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है। कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले हमें लेजर बनाने पड़ते हैं। हम लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, फिर क्रिएट को सेलेक्ट करते हैं। हमने पहले से ही लेजर बना के रखा हुआ है इसलिए हम आपको ऑल्टर में दिखाते हैं। देखिए कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ये परचेज के साथ हो रहा है तो इसीलिए इसका अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल ले कर लेंगे, कैश डिस्काउंट का लेजर हमारा बन के कम्प्लीट। मोहन, मोहन को हम माल बेच रहे हैं तो मोहन का अंडर क्या हो जाएगा, सेंड्री डेबिटर, और यहाँ पे मोहन का एड्रेस फिल करेंगे और कंट्रोल ए करके हम एक्सेप्ट करा लेंगे। परचेज कर रहे हैं, परचेज का अंडर होता है परचेज अकाउंट, नेम में हमें लिखना है परचेज और अंडर में लिखना है परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए कर लेंगे। परचेज का भी लेजर हमारा कंप्लीट हो चुका है। राम को, राम से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं यानी राम से खरीद रहे हैं, तो जिससे भी हम खरीदते हैं वो पार्टी हमारी सेंडरी क्रेडिटर होती है, तो पार्टी नेम में राम और अंडर में सेंडरी क्रेडिटर, इधर राम का एड्रेस है, हम कंट्रोल ले करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। बात करते हैं सेल्स की, सेल्स का अंडर होता है सेल्स अकाउंट, तो नेम में हम लिखेंगे सेल्स और अंडर में सेल्स अकाउंट और इसे भी हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट सेल्स के साथ यूज हो रहा है तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अगर देखिए वो कैश डिस्काउंट हो या ट्रेड डिस्काउंट हो, अगर परचेज के साथ यूज होता है तो इनडायरेक्ट इनकम और सेल्स के साथ यूज होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब यहाँ पे हमारे सारे लेजर बन के कम्प्लीट हो गए हैं, हम आ जाएंगे ट्रांजेक्शन करने के लिए अकाउंटिंग बाउचर में। अकाउंटिंग बाउचर में आने के बाद एंटर करते हैं। अब हमारी पहली एंट्री थी, हमारी पहली एंट्री थी राम से 10,000 रुपये का माल खरीदा 10% छूट के साथ, यानी परचेज कर रहे हैं। हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे परचेज या कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9। इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं 1, 2, 3, डेट हो गया है। अब हम परचेज किससे कर रहे हैं, राम से परचेज
10,000 डिस्काउंट दे रहे हैं ट्रेड, ट्रेड डिस्काउंट। देखिए जैसे ट्रेड डिस्काउंट होगा तो माइनस करते हैं रेट वाले सेक्शन में, -10%। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,000 रुपये डिडक्ट हो चुका है हमारा डिस्काउंट, 1,000 रुपये कट चुका है। अब यहाँ पे जो वैल्यू शो हो रही है वो 9,000 रुपये की वैल्यू शो हो रही है, तो हम कंट्रोल ये करेंगे, एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब परचेज करने के बाद हम अगली एंट्री करते हैं पेमेंट की, कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे F5। F5 प्रेस करने के बाद अकाउंट्स में सेलेक्ट करते हैं कैश और यहाँ पे पार्टी नेम, पार्टिकुलर में पार्टी नेम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं राम का करंट बैलेंस 9,000 रुपये शो कर रहा है। हम जैसे ही 9,000 फिल करके कंट्रोल ए करेंगे, आप देखेंगे करंट बैलेंस 0 हो चुका है। 0 करंट बैलेंस क्यों हो गया, क्योंकि हमने राम से 9,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज किया था और राम को हमने 9,000 का प्रोडक्ट क्या कर दिया, 9,000 पेमेंट कर दिया। अब अगली एंट्री है हमारी, मोहन को 25,000 रुपये का माल बेचा है यानी सेल्स कर रहे हैं, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8। F8 प्रेस करते ही सेल्स वाउचर की विंडो ओपन हो जाएगी। हम यहाँ से इनवाइस नंबर डाल लेते हैं, पार्टी नेम मोहन, हम क्या कर रहे हैं मोहन को सेल्स कर रहे हैं। कितने का सेल्स कर रहे हैं, 25,000 का, 25,000 का सेल्स कर रहे हैं मोहन को और 25% छूट के साथ। ट्रेड डिस्काउंट -25%, ठीक है, 25% छूट के साथ। अब आप देख सकते हैं कि 6,250 रुपये हमारे डिस्काउंट डिडक्ट हो चुके हैं और 18,700 रुपये ही हमें रिसीव होने हैं, किससे, मोहन से। हम कंट्रोल ए कर लेते हैं, सेल्स की एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, रिसीप्ट करना है। हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F6। F6 प्रेस करते ही रिसिप्ट ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे कैश और यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है मोहन, मोहन 18,750। अब आप देखेंगे यहाँ भी करंट बैलेंस 0 हो चुका है, हम कंट्रोल ए करेंगे। तो ये तो रहा हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अब हम कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास करते हैं इसको जानते हैं, कि हम टेली RP9 में कैश डिस्काउंट की एंट्री को कैसे पास करते हैं। कैश डिस्काउंट का जो हमारा एग्जांपल था वो था राम से 10,000 रुपये का माल खरीदा 1,000 रुपये छूट के साथ, यानी परचेज कर रहे हैं, तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे F9, पार्टी नेम में राम, पार्टी नेम में राम, हम राम को कर रहे हैं परचेज 10,000। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अगर ये ट्रेड होता है तो हम रेट में माइनस करते, पर ये क्या कैश डिस्काउंट है 1,000, तो हम अमाउंट में माइनस करेंगे 1,000। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 1,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यहाँ पे 9,000 रुपये शो करने लगे। परचेज करने के बाद अगली एंट्री हम पेमेंट की करते हैं, अकाउंट्स में कैश, यहाँ पे पार्टिकुलर में पर्स पार्टी का नाम जिससे हमें पेमेंट को रिसीव करनी है, और कंट्रोल ए, इसका करंट बैलेंस 0 शो हो चुका है। अगली एंट्री थी मोहन को 25,000 रुपये का माल बेचा 5,000 रुपये छूट के साथ सेल्स, हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8। पार्टी नेम में हम किसे सेल्स कर रहे हैं, मोहन को सेल्स कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं मोहन को, हम कितने का 25,000 का प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है, रेट में नहीं माइनस करना है, हमें अमाउंट में करना है -5,000 यानी 5,000 रुपये। अब आप देख सकते हैं कि 5,000 डिस्काउंट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया है, और ये रहा हमारा 20,000 रुपये जो हमें मोहन से रिसीव होने हैं। हम कर लेंगे कंट्रोल प्लस ए, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो आज की वीडियो में हमने सीखा डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, और डिस्काउंट की एंट्री को हम टेली ERP9 में कैसे पास करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।